स्काउट एक ऐसा नाम है जिसने इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में तहलका मचा दिया है। उनके ई-स्पोर्ट्स करियर से लेके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी तक स्काउट हैज बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी। आज के इस वीडियो में हम वही जर्नी के कुछ की मोमेंट्स के बारे में बात करेंगे। स्काउट का सफर बहुत ही सारे एस्पायरिंग गेमर्स की तरह शुरू हुआ था विद CSGO, लेकिन PUBG मोबाइल चैलेंज वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट जहां से स्काउट का जर्नी स्टार्ट हुआ था। उस इवेंट के बाद लोग स्काउट को नोटिस करने लगे एंड दैट वाज हिज एरा एज गॉडल स्काउट। ये गॉडल वाला स्काउट है क्या भाई? स्काउट गॉडल में था, स्काउट ने गॉडल बनाया था मेरी जान। स्काउट ने गॉडल बनाया था दो लोग के साथ, और कोई दिक्कत नहीं, आपको पता नहीं, आप नए हो, समझ जाओगे, हिस्ट्री पढ़ा करो। इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में अपना पकड़ बनाने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब स्काउट इंडियन ई-स्पोर्ट्स को कॉन्करर करने के लिए भूखे थे विद टीम IND। स्काउट के थ्राइविंग एफर्ट्स के बावजूद वो अपने इनिशियल ई-स्पोर्ट्स डेज में कोई ट्रॉफी नहीं उठा पाए, लेकिन इसी दौरान ही वाज इंट्रोड्यूस्ड एज द फेस ऑफ Fnatic's PUBG मोबाइल रोस्टर। माय नेम इज तन्मय सिंह, एके स्काउट। आई प्ले फ्रॉम टीम Fnatic एंड आई एम फ्रॉम गुजरात। Fnatic को ज्वाइन करने के बाद स्काउट हैड हिज फेयर शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड जब लोगों ने सोचा कि स्काउट का डाउनफॉल आ गया है, ही हिट अस विद अ उनो रिवर्स। स्काउट का टीम ऑरेंज रॉक को ज्वाइन करना प्रूव टू बी अ मास्टर स्ट्रोक। उस टाइम पे टीम ऑरेंज रॉक के IGL मावी हुआ करते थे एंड ही ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ स्काउट। बट लुक एट द स्काउट चार्ज कर रहे हैं आगे, गॉट आउट टू स्पॉट टच एंड ही विल गो डाउन। दैट इज M4 सक्सेस ऑफ स्काउट जो बहुत बेहतरीन तरीके से निकल कर आ रही है। अब अभी स्काउट काफी आगे जा रहे हैं, PDR के बिल्कुल सामने आ रहे हैं, लेकिन वहां पीछे स्काउट डाउन करेंगे लक्सी को। इस फाइट के अंदर ऑरेंज रॉक काफी बेहतरीन तरीके से मूवमेंट कर रही है आगे, लक्सी बचे हुए लेकिन लक्सी बड़ा होकर बिग ड्रॉ एलिमिनेट होती है। ऑरेंज रॉक टेकिंग दैट फाइट इन देयर हैंड्स, इंप्रेसिव स्ट्रैट। इनके पास कार है बट किल उनके बिल्कुल सामने है, किल PMWI में बेस्ट देने के बाद भी ऑरेंज डॉग जस्ट मिस्ड आउट ऑन द ट्रॉफी एंड फिर से स्काउट का सपना सपना ही रह गया। स्काउट हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू फीलिंग? काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड दो। You don't have to be disappointed, you don't have brother. To be, yeah. I would just say I love you, Scout. What you have done for the team, because jo dedication aap lekar aate ho, utna dedicated player koi is circuit mein, Indian circuit mein nahi. So, is there some message jo aap apne fans ko dena chahoge? Because right now, everyone is listening to OR Scout OP right now. Guys, we are really sorry. Again, we disappointed you guys. Hope अगले टूर्नामेंट में बेटर रहेगा। एक ही सपना है वो, जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक हिस्सा, ये मेरा एक वर्ड है मेरी तरफ से, तब तक पबजी नहीं छोड़ना जब तक एक बार ट्रॉफी नहीं लानी इंडिया की। उसी नेवर गिव अप एटीट्यूड से वो लोगों के भी और भी करीब आने लगे। देखो बहुत सिंपल सी बोलता हूं, लोगों से ना लाइफ फेयर होती है, लाइफ फेयर नहीं होती। आपको उठा के पटके की जरूरत, मैटर करता है कि अपन कितने भी जोर से गिरे ना, उठना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। वैसे कहा जाए तो IGC में बहुत सारे प्लेयर्स एंड क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनके लाइफ स्टोरीज एंड जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। सो इफ यू वांट अस टू मेक अ वीडियो ऑन एनी प्लेयर और क्रिएटर, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ध्यान से देखा जाए तो स्काउट का जर्नी दो फेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। एक उनका एंग्री कॉन्ट्रोवर्सी से भरा हुआ फेज एंड दूसरा है उनका चिल वाला फेज। उनके सारे चैलेंजेस तो फर्स्ट वाले फेज में ही आए थे। कुत्ते के बच्चे उनको अपने टीममेट से दूर करवाया है। भाई इतना केओस में खेल रहे हो ना भाई, भाई एक स्क्वाड वाइप का रुको ना, वहाँ से रोटेशन क्यों देना आगे? भाई खेल लो, तुम्हें खेल रहा है, मैं नहीं खेल रहा, तुम्हारी माँ समझे। हाँ सर, कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी थे जब वो गेम एक्सप्रो नामक यूट्यूबर के ऊपर ऑन स्ट्रीम भड़क गए थे और एक बार तो अपने ऑडियंस के ऊपर ही अपना गुस्सा निकाल दिया था। भले ही स्काउट कितने भी कंट्रोवर्सीज के पार्ट रहे हो, उनके लाइफ में तीन कंट्रोवर्सीज ऐसे थे जो शायद कभी होने नहीं चाहिए थे। एक है उनका कंट्रोवर्सी विद मॉर्टल। फ्रीकिंग 3 days इट्स बीन गोइंग ऑन, रोज आके इन लोग स्पैम करते हैं, रोज आके कंपेयर करते हैं कि मॉर्टल जैसा बन नहीं सकता तू, मॉर्टल ये है, मॉर्टल वो है। अबे मैं कभी कुछ बोला मॉर्टल का आज तक? तुम्हारे चक्कर में मेरी मॉर्टल की दोस्ती बिगड़ी। दूसरा है उनका कंट्रोवर्सी विद गॉड लाइक जोनाथन। जॉनी का 2 मिलियन हुआ था, ठीक है, दैट्स वेरी गुड,
मेरे पे स्पैम हुआ, भाई पबजी खेल, भाई पबजी खेल, भाई मेरे को नहीं खेलना है। अगर मेरे को नहीं खेलना, मैंने इतना बच्चे कुछ गलत बोला, उसके बाद भी क्या बोलते लोग, तेरी जल्दी इससे तू नहीं खेल रहा है। अरे भाई ये क्या बात हो गई, अब ये स्पैम है, मैं इरिटेट हो गया उस दिन। मैंने बोला जाओ ना भाई, 2 मिलियन वाली बच्चों की यहाँ मत करो। अब मैंने ये किसको बोला, ऑडियंस को बोला जो स्पैम कर रही है, ना कि किसी क्रिएटर को जिसका अचीवमेंट इतना बड़ा उसने अचीव किया है। अब इसको किसने क्लिप आउट करके मिक्स करके किसी और को दिया और वो ट्रिगर हो गया, जॉनी वाला सीन था। तो भाई मैं आज ही बोलता हूँ कि जब गेम आएगा मेरे भाई तब मैं सबके साथ खेलूंगा, बट अभी मैं नहीं खेलना चाहता, क्यों नहीं समझता कोई भी। और तीसरा है उनका इनफेमस डिबेट विद डायनेमो गेमिंग। विशु ब्रो, व्हाई एवरीवन हेट डायनेमो, ही जस्ट प्लेस ऑन एमुलेटर, सी वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर दोज हु प्ले ऑन एमुलेटर, पर बट व्हेन यू से योर फकिंग प्रो, दैट्स द प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स इन। देखो अभी आपको एग्जांपल देता हूं, एक टूर्नामेंट हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे पबजी पीसी का, तो वहां पे हर कंट्री का फ्लैग था, और वहां बात हुई, एक इंडियन ने जाकर पूछा कि भाई इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं है, तो लॉन्डे क्या स्पैम किया पता है, कि इंडिया के औकात है मोबाइल गेम्स एमुलेटर पे खेलने के लिए, तो भाई हम लोग ये चीज चेंज करना है। आज यूट्यूब से एमुलेटर फ्री स्ट्रीमर तो आपके वजह से है, द हेट यू हैव फेस फॉर दिस नोन एज फेस दिस मैच। इमोर्टल भाई बात ऐसी ना कि लोगों को नहीं पता ना कि हमने जिन जिन कॉज के लिए लड़ा था वो कॉज क्या था। अब आजकल नए नए बच्चे के बोलते स्काउट ने कॉन्ट्रोवर्सी करी है, कि भाई मेरी लाइफ में आई थिंक मैंने जितने भी मेरे दंगे हुए हैं उसमें से 80% लेजिट कॉज के लिए होगा, इसके लिए आज सब लोग बैठ के ना कॉम्पी खेल पा रहे हैं। मैं मुंह पे बोलता हूं, चाहे स्काउट को कितने भी चैलेंजेस फेस करने पड़े वो हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस से सीख कर ऊपर उठते थे, एंड वहीं से चालू हुआ था उनके जर्नी का सेकंड फेज। स्काउट को एज एन ईस्पोर्ट्स प्लेयर छोड़ के एज एन एंटरटेनर अगर देखा जाए तो उनके जितना फनी और कैप्टिवेटिंग कोई नहीं है। इन एडिशन टू दैट, स्काउट की पॉजिटिविटी और एंगेजिंग स्ट्रीम्स ने देश भर के ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लिया है, चाहे वो उनके एंटरटेनिंग ग्रुप गेम्स के स्ट्रीम्स हो या एक्सट्रीमली फनी सोलो प्लेयर गेम्स। स्काउट ऑलवेज मैनेजेस टू कीप हिज स्ट्रीम्स वेरी एंगेजिंग। हेलो पार्टनर, कम टू पिंक जज, आई एम विद द कमिंग ग्रुप, कम फास्ट, कमिंग पार्टनर, कमिंग, हाउ कैन यू कम इन द फोन ब्रदर। अरे कमिंग मतलब चल के आ रहा हूं, माफ करो माफ करो। अगर कभी उनकी स्ट्रीम्स में शान कम हो जाए तो मिस काशवी आके चार चांद लगा देती हैं, एंड द ऑडियंस आल्सो लव्स द ड्यूओ वे टू मच। और जब लोग स्काउट को इस एंटरटेनिंग अवतार में देख के पसंद करने लगे तो उन्होंने वही शेर अपने व्लॉग्स में भी प्रेजेंट किया, जिनसे उनका पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ने लग गया। चाहे व्लॉग्स हो या फिर स्ट्रीमिंग, स्काउट ने अपना इंडिविजुअल चार्म बनाए रखा, एंड इस केस में उनका चार्म था वैरायटी। स्काउट वाज द ओनली मोबाइल ईस्पोर्ट्स प्लेयर इन इंडिया जिन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक या दो गेम्स के लिए सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपने चैनल पे हमेशा से वैरायटी ऑफ गेम्स खेलने की कोशिश करी है, एंड ही स्टक टू दैट ड्यूरिंग हिज पीक एंड इवन इन हिज वीक टाइम्स। इफ वी हैव टू सम अप स्काउट्स जर्नी इन फ्यू वर्ड्स, तो हम बस इतना कह सकते हैं कि स्काउट सिर्फ एक गेमर नहीं है, वो पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए एक आइडल भी है। नो डाउट उनके जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन यही अप्स एंड डाउन्स ने उनको IGC का सुपरस्टार बनाया है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड इफ यू लव तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी विल बी बैक विद मोर कंटेंट, अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप गेमिंग एंड वी आर गोइंग AFK।